पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर के सुबह से ही जो मतदाता हैं वो काफ़ी उत्साहित है। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गेट के जो एंड है वहाँ तक लाइन लगी हुई है, जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और एक मतदाता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, किन मुद्दों के साथ आज मतदान जो हुआ सो देश के विकास के लिए हुआ है। अच्छा। और देश के विकास के लिए जो है सो आज अहम है, जिसे निर्णय लेना है सारे लोगों को कि देश का कैसे विकास हुआ, उसी मुद्दे पर जो है सो आज मतदान हो रहा है। तो देखा आपने कि जो मतदाता है वो साफ कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों के साथ मतदान किया है। इधर आप देखिए किस तरीके से तमाम जो मतदाता है अपनी पर्ची को लेकर के यहाँ पर खड़े और अपने समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पहुँचेंगे अपने मत को गिराने के लिए, कब ईवीएम मशीन के पास पहुँचेंगे। इधर आप पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से जो है लोग उत्साहित हैं। सुबह के करीब 7:30 बज रहे हैं और जो मतदान केंद्र है वहाँ पर खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। एक तरफ महिलाएं की लाइन आप देख सकते हैं कि महिला भी यहाँ पर सारे पहले घर के काम छोड़ करके पहले मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल करने, और दूसरी तरफ पुरुषों की भी लाइन आप देख सकते हैं। पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने हाथ में अपनी आईडी कार्ड और अपनी पर्ची, वोटर पर्ची लेके पहुँचे हैं। सर, किन मुद्दों के साथ आज पहुँचे हैं यहाँ, मुद्दे क्या हैं? वोट डालना है। तो क्या मन में है, देश का कैसा विकास हो, क्या मुद्दे? देश का विकास हो, सब शांति से रहे। आप क्या सोच रहे हैं? सब शांति से पुत्र रहेगा, सब शांति सुखते रहे। हाँ, यही मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, कितना वोट देना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आपको महिला मतदाताओं से बात कराते हैं कि वो आज पहुंची हैं। चाची, क्या नाम हुआ? मुन्नी देवी नाम। पहले जलपान या मतदान? मतदान। हाँ, पहले मतदान किया कि पहले जलपान किया? खाना उना बनाया घर पे? नहीं बना। अच्छा, आज वोट देने आई है मैडम, क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है, क्या सोच करके वोट करेंगे आज? वोट देने आए हैं, सरकार को जिताने आए हैं। आप क्या? अच्छा, सरकार अच्छा काम करे यही मन में है। हाँ, अच्छा। आप मैडम, आप क्या कह रही हैं? सरकार 12 आदमी बने, हम लोग के भी रक्षा करेंगे और क्या करेंगे। महिला सुरक्षित रहे, ये सारा तमाम मुद्दा होगा। आप देख सकते हैं कि लाइन जो है काफ़ी लंबी है, महिलाएं भी काफ़ी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। और आप सुरक्षाकर्मी की बात करें तो सुरक्षाकर्मी भी एक एक करके जो तमाम वोटर्स हैं उनके पर्ची को चेक करके अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। इधर देखिए, इधर यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है, जो मतदाता है उनके हाथ में पर्चियाँ हैं और उनको चेक करके जो तमाम जो बूथ पर लोग बैठे हैं वो अंदर भेज रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको एक बार फिर दृश्य दिखाते हैं कि मतदान केंद्र पर किस तरीके से जोश के साथ, ऊर्जा के साथ तमाम मतदाता अपने देश के भविष्य के लिए आज यहाँ पहुँचे।